देखिए, हाल ही में जो लिस्ट निकली है फायर सर्विसेज की, उसमें भारी पैमाने के ऊपर धांधलियों की शिकायतें हर जिला से आ रही हैं, खास तौर पर जम्मू प्रांत से। और इसकी पैंथर्स पार्टी जुडिशियल प्रोब की मांग करती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय से हम कहना चाहते हैं कि फायरमैन की भर्तियों की और ड्राइवर्स की जो भर्तियां हुई हैं फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट में, इनका हाई लेवल प्रोब जो है वो सिटिंग हाई कोर्ट जज द्वारा करवाया जाए, ताकि जो फ्रॉड हुआ है उसका पर्दाफाश हो सके। भारी पैमाने के ऊपर ये कहा जा रहा है कि इसमें धांधलियां हैं। जो मेरिट लिस्ट बना हुआ है उसमें फायरमैन की 338 लोगों की लिस्ट है ओपन मैरिट, और डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर देखा जाए तो जम्मू प्रांत को 10% से कम भी शेयर मिला है, और कुछ ऐसे जिले हैं जिनको कंप्लीटली वॉश आउट कर दिया गया है। रियासी जिले को एक भी सिलेक्टेड लिस्ट में कैंडिडेट एक भी नहीं सिलेक्ट, यानी ओपन मेरिट में रियासी जिले में 0 कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ। कठुआ में, किश्तवाड़ में एक कैंडिडेट और 2 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए। उधमपुर में 2 कैंडिडेट जो है वो सिलेक्ट किए गए हैं। पहले जो भर्तियां होती थी क्लास 3 और क्लास 4 की, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती थी ताकि हर जिले को अपना शेयर मिल सके। इन भर्तियों के लिए एडवर्टीजमेंट भी जो हुई है वो 2013 में हुई थी, और उस वक्त स्टेट एग्जिस्ट करती थी, उसके मुताबिक सिलेक्शंस होनी चाहिए थी, लेकिन इनको डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर ना करके पूरे जम्मू कश्मीर लेवल के ऊपर किया, और कश्मीर को जो है वो लायंस शेयर दे दिया गया है। सबसे ज्यादा सिलेक्शंस बडगाम में है, उसके बाद बारामूला में, पुलवामा में, और इसी तरीके से कश्मीर के जिलों को जो है वो अकोमोडेट किया गया है। वहीं जम्मू के जिले जो हैं वो पूरे तरीके से नज़रअंदाज किए गए हैं। 8वें पास कैंडिडेट्स को लगाया गया है, ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, डबल पोस्ट ग्रेजुएट्स, एमए बी एड नौजवान जो हैं उनको जो है वो रिजेक्ट किया गया है। क्या जाना चाहिए, और नए सिरे से भर्तियों की मांग पैंथर्स पार्टी करती है, और इस लिस्ट को दोबारा करवाने के लिए पैंथर्स पार्टी इस आंदोलन को और उग्र रूप देगी, क्योंकि बहुत भारी पैमाने के ऊपर इरेगुलरिटीज और फ्रॉड्स जो है वो देखने को मिले हैं, और जिला स्तर पर जाकर भी पैंथर्स पार्टी जो है ये भारतीय जनता पार्टी की इस किस्म की डुप्लिसिटी को, डबल स्टैंडर्ड्स को एक्सपोज करेगी। जब इलेक्शन नहीं हुआ था तब बड़े बड़े वादे किए जाते थे कि जम्मू खित्ते को उसका हक मिलेगा, और जो भी भेदभाव जम्मू रीजन के साथ हुआ है पहले उसके लिए जम्मू को कंपनसेट किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के सरकार में जम्मू के नौजवानों के साथ इतना डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट किया जा रहा है, इतना सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, इतना आज तक देखने को नहीं मिला, और पैंथर्स पार्टी इस संदर्भ में इस मुहिम को आगे ले जाएगी ताकि जम्मू के युवाओं को इंसाफ मिल सके और मुलाजमत में उनको अपना हिस्सा मिल सके।